am going to start exercise 2.4, remain question 7 and question 8. So our student, look at the ring board and try to understand this question. Question number 7. Find Sindhu's average score per inning if he scored 9,750 runs in 78 innings. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको राइट करते हैं। यहाँ स्कोर, स्कोर उसने कितना किया है 9,750 रन, इनिंग्स कितने उसने की है 78। तो एवरेज, एवरेज इक्वल होता है क्या, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब कि अगर हम 10 टाइम्स में हम 10 टाइम्स बल्लेबाजी करने गए हैं और हम रन बनाए हैं, तो 10 टाइम्स में हमने अगर 7, 15, 78, 54, 67, 84 इस तरह से हमें रन बनाए हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है इनको 10 टाइम्स में हमने टोटल कितना रन बनाया उसको ऐड करते हैं। और वो जो स्कोर है वो टोटल हमको दिया गया है, इनिंग 78 टाइम्स उसने खेला है और टोटल कितना रन बनाया है 9,750, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे दिया गया है। और इनिंग्स कितनी बार उसने बल्लेबाजी की है 78 टाइम्स, एवरेज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज की जगह स्कोर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज की जगह इनिंग्स हो जाएगा, कितनी बार उसने बल्लेबाजी करनी है, ठीक है। एवरेज स्कोर, सिंधु का एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा 9,750 अपॉन 78, डिवाइड करेंगे हम, यहां डिवाइड किया गया है 78, वन टाइम्स क्या 78, सबट्रैक्शन हमने किया 70 में से 8 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 5 हमने यहां कैरी किया, 2 टाइम्स डिवाइड किया 156 आया, माइनस किया हमने यहां पे 39 आया, इसके बाद 0 यहां पे 0 हमने यहां उतार लिया, तो 5 टाइम्स में ये एग्जैक्टली यहां पे कट गया, तो 125 आया। ये 125 क्या होगा उसका एवरेज स्कोर होगा, क्या होगा एवरेज स्कोर ऑफ सिंधु 125। सो ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी जो चीजें पहले से क्वेश्चन में कहा गया उसको पहले राइट। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट राइट करेंगे 99,99,999, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट हो जाएगा 99। एक और क्वेश्चन, 99 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 38, यहां से 9 डालेंगे, फिर हम 9 डालेंगे, और जब यहां से हम डबल डिजिट यहां पे उतारते हैं तुरंत हम 0 बढ़ता है क्वेश्चन, इसलिए 0 यहां पे, फिर 1 टाइम्स गया कट गया, फिर हमने यहां से 99 पहले 9 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर इस 9 को उतार, जब डबल यहां से उतरेगा तो यहां 0 बढ़ हो गया, फिर इसके बाद 91 टाइम्स गया कट गया, 9 हमने उतारा हमारा डिवाइड नहीं गया, ओके तो हम क्वेश्चन में एक 0 लगाते हैं यहां से, ठीक है। अब बोलो ध्यान ये जो 9 आया 9 हमारा रिमाइंडर बस जा रहा है तो कटा तो नहीं, इसको क्या करेंगे इस जो 7 से जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहां माइनस किया गया यहां पे आ गया 99,99,999। ये जो नंबर है वो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर 99 से डिवाइड होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ओके तो आप इसको समझे, आप ट्राई करें सॉल्व करने का, इसके आगे जो मिस करेंगे उसकी सस्ता है इसको आप स्वयं ट्राई करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, ठीक है, ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।